जीवन हम लोग पीते हैं। आज पंजाब में ऐसे बोलते हैं कि फर्टिलाइजर का प्रमाण जो है
से लोग भर जाते थे, इतना उनके विष भरा हो गया है कि सब जगह वो केमिकल फर्टिलाइजर है और इसके वजह से कैंसर का प्रमाण है। आज जैसे एडल्ट्रेशन होता है, दूध का एडल्ट्रेशन होता है, आज तेल का एडल्ट्रेशन होता है, उससे भी कैंसर का प्रमाण है। तो ये जीवन पद्धति जो है, ये अपने को एक समाज समझ के अपने को बदलनी जरूरी है। अगर हमको कैंसर का प्रमाण, सिर्फ कैंसर ही नहीं, हार्ट अटैक है या डायबिटीज है या ये सब क्रॉनिक बीमारियां जो है, ये क्रॉनिक बीमारियां क्यों बढ़ रही हैं? क्योंकि अपनी जीवन शैली जो है, जीवन पद्धति जो है, वो गलत है। इस ये जब बदलेगी, ये जब इसमें जब अपने को एक मूलभूत हम लोग एक बदलाव करेंगे, तो हमारी डेफिनेटली कैंसर से, कैंसर का जो प्रमाण है, ये भी कम हो जाएगा। लेकिन ये बदलना मुश्किल है। तो हमें आज क्या करना चाहिए, आज हमको ये जान लेना जरूरी है कि कैंसर का अर्ली डिटेक्शन कैसे हो, इसका निदान जो है वो टाइम में कैसे हो, और ये कैसे हो सकता है, तो ये हमें अपने शरीर की तरफ ध्यान देने से हो सकता है। यानी क्या, कि छोटे छोटे साइंस रहते हैं, कैंसर ऐसी कोई बड़ी धमाका करके आता नहीं है, बड़ी बीमारी है, लेकिन ये टेररिस्ट की तरह है। जब टेररिस्ट आते हैं तभी वो झंडा लेके आते हैं क्या, कि मैं आपके इधर बॉम्ब फोड़ने वाला हूँ, ऐसा बोलते हैं, कभी सुना है? नहीं, वो शांति से आके रहते हैं, चुपचाप अपना काम करते हैं, और जब समय आता है तभी वो हाथ करते हैं। तो इसी तरह कैंसर जब शुरुआत होता है तो एकदम मामूली तरीके से शुरुआत होती है। जैसे शरीर में कोई गांठ हो, स्पेशली ब्रेस्ट में, तो अगर स्तन में कोई गांठ हो स्त्रियों में, जो दर्द नहीं करती है, उसमें कोई तकलीफ नहीं होती है, वैसे ही पड़ी रहती है, धीरे धीरे बढ़ती है, तो लोगों को लगता है चलो मैंने मेरे पोते को उठाया रहेगा, उसका पैर लग गया होगा, इसके वजह से हुई है, या मेरे को प्रेगनेंसी के टाइम पे दूध की गांठ हुई थी, उसके वजह से ये गांठ वापस आ गई है। लेकिन जो दर्द नहीं करती है, वही गांठ सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि लोग उसको इग्नोर करते हैं, लोग उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। तो ऐसी कुछ घटना हो तो अपने को उसकी जाँच कर लेनी चाहिए। दूसरा, अगर वो कि अगर खांसी है, अगर आप अपने को कोविड की वजह से कोई खांसी वगैरह ये सब अपने को बहुत नजदीक के हो गए, तो खांसी है लेकिन जा नहीं रही है, ड्राई कफ है, कफ गिरता भी नहीं है, लेकिन रात को बहुत खांसी आती है, आपने सब तरीके की दवाई दी है, घर के उपचार किए, आयुर्वेदिक किया, होम्योपैथिक किया, कफ सिरप बदल के देखे, लेकिन फिर भी अगर ये बदलाव नहीं आ रहा है तो उसकी जाँच कर लेना जरूरी है। अगर कोई जख्म हो गई है शरीर में जो बिल्कुल भर नहीं रही है, एक महीना हो गया लेकिन जख्म वैसे के वैसे है और थोड़ी बढ़ रही है, तो उसकी जांच कर लेना जरूरी है। कोई स्त्री हो जिसका मेनोपॉज हो गया है, पीरियड बंद होकर 15 साल हो गए और सडनली ब्लीडिंग चालू हो गया, तो समझ लेना चाहिए कि ये एक वार्निंग साइन है, अपने को इसका चेक करना जरूरी है। अपने शरीर पे मस्सा रहता है, बराबर ऐसा मस्सा रहता है पासपोर्ट में लिखते हैं कि हमारा बर्थ साइज है, लेकिन इसमें भी अगर बदलाव आ गए तो फिर अपने को जांच कर लेना जरूरी है। ये सभी साइंस जो है, जो टैबलेट्स है उसमें लिखे हुए हैं, तो आप उसको पढ़ लीजिएगा, लोगों को बता दीजिएगा कि अगर ये ऐसे साइंस हो तो इसमें अपने को तुरंत जांच करना जरूरी है, वरना देखो फिर अपने को उसके फिर बाद में बढ़ जाता है कैंसर, फिर वो अलग अलग जगह जाता है और फिर अपने को लगता है कि कैंसर हो गया, तो क्योंकि माइनस कैंसर, क्योंकि हम लोग टाइम में जांच करते हैं। और ये सभी जैसे जैसे बाकी के चीजों में इंपॉर्टेंट है, कि जैसे अंग्रेजी में कहावत है कि स्टिच इन टाइम सेव्स टाइम, कि अगर टाइम में आपने टाका नहीं लिया तो पूरा कपड़ा फट जाने वाला है, तो वैसे ही अपने को वक्त में इसका निदान करना जरूरी है। और इसकी ट्रीटमेंट जो हम लोग पहले समझते थे कि कैंसर की ट्रीटमेंट से कैंसर बेहतर है, ये जो एक आम तरीके से लोगों के दिमाग में था, इसमें भी काफ़ी बदलाव आ गए हैं, काफ़ी फंडामेंटल बदलाव आ गए हैं, क्योंकि आजकल कैंसर की जो ट्रीटमेंट है उसमें भी बहुत इम्प्रूवमेंट्स हो गए हैं। फॉर एग्जाम्पल सर्जरी का अगर हम लोग सोचें, तो सर्जरी में दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें आई हैं, आजकल स्पेशलिस्ट का एक निर्माण हुआ है, जो कैंसर स्पेशलिस्ट है वो सर्जरी करते हैं। अभी स्पेशलिस्ट जब हम बोलते हैं तो ये क्या हो, आम तरीके से मैं बहुत सिंपल उदाहरण देता हूँ कि स्पेशलिस्ट यानी क्या हो। आप आपके किचन में काम करते हैं, कभी आप
ये होता है क्योंकि आपने वही चीज सालों साल उसी जगह आपने की है, बस इसको ही स्पेशलाइजेशन कहते हैं। बाकी डिग्रीज है, बड़े बड़े डिग्रीज है, 10 डिग्रीज है, 15 डिग्रीज है, वो सब इम्पोर्टेंट है, लेकिन स्पेशलाइजेशन यानी अगर आप फोकस्ड रहे, अगर आप एक चीज करते हो तो आप ऑटोमेटिकली उसमें अच्छे हो जाते हो। पर आप कितने भी अच्छे खाना, घर का खाना बनाते हो, आपको किसी ने बोला कि आप ना मंगोलियन क्यूजिन बनाओ, जमेगा? तो ये क्या है? स्पेशलिस्ट। तो इसीलिए स्पेशलिस्ट कैंसर सर्जन से या स्पेशलिस्ट कैंसर डॉक्टर से ट्रीटमेंट करना ये आम चीज हो गई है, ये इंपॉर्टेंट चीज हो गई है कैंसर के रिजल्ट बदलने। दूसरा चीज क्या हो गया है कि आजकल मान दिया जाता है, आजकल क्या हो गया है कि कैंसर क्योर होने लगा, पहले जैसा नहीं रहा। तो अगर क्योर होता है तो उसके अपने एक तरीके के प्रॉब्लम्स रहते हैं, क्योंकि अगर आदमी एक साल दो साल तक कैंसर के बारे में सोचते रहे, उसके बाद में उसको समाज में वापस आना है, ऐसे मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करना है, उसको अपना काम करना है, तो इट इज अबाउट गेटिंग बैक टू वर्क, इट इज नॉट जस्ट अबाउट गेटिंग अ लाइफ, इट इज एडिंग इयर्स टू दैट लाइफ। लंबाई जरूरी नहीं है, उसकी चौड़ाई भी जरूरी है कि अपनी जिंदगी में क्वालिटी क्या है, सिर्फ क्वांटिटी चाहिए या सिर्फ क्वालिटी भी चाहिए? क्वालिटी भी जरूरी है। इसीलिए आजकल सर्जरी करते समय हम इसका भी ध्यान देते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट कैंसर में आज पूरा ब्रेस्ट निकालना जरूरी नहीं है, सिर्फ ब्रेस्ट का पार्ट निकाल के ही ट्रीटमेंट होती है। जैसे गले का कैंसर हो तो पूरा पहले स्वरयंत्र निकालना पड़ता था, आज वो भी अवॉइड हो सकता है। दूषण का जब कैंसर होता है, संडास के रास्ते का कैंसर होता है, तो पहले बैग ऑलमोस्ट 99% लोगों को बैग लग जाती थी, आजकल उल्टा हो गया है, 1% लोगों को लगती है। तो ये बदलाव सर्जरी में आ गया। तीसरा चीज हुआ है कि जैसे रेडिएशन, आपने लाइट के बारे में सुना है, लाइट का ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो लाइट का ट्रीटमेंट में लोगों को लगता है कि कुछ इलेक्ट्रिक शॉक होता है, ऐसा कोई सलमान खान वाला इलेक्ट्रिक शॉक का मामला नहीं होता है, वो बेसिकली हो गया है, और बहुत कम, जैसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, ऐसे बहुत बड़े कीमोथेरेपी जब
फंडामेंटल चेंजेस आए हैं और इसकी वजह से आज कैंसर के जो रिजल्ट्स हैं काफ़ी बदलाव है, काफ़ी बदलाव। जैसे ब्रेस्ट कैंसर में ऑलमोस्ट 90-95% लोग पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। प्रॉब्लम क्या है, लोग बाहर आके बात नहीं करते, क्योंकि क्या होता है कि कैंसर की न्यूज जो सुनते हैं आप वो सिर्फ एंड रिजल्ट एंड की सुनते हैं कि बाबा ये कैंसर से मर गया, वो कैंसर से मर गया। कोई आके बोलता है कि मुझे कैंसर हुआ था, मेरा ऑपरेशन हुआ और मैं ठीक हो गया या हो गई, ऐसा बहुत कम लोग आके बोलते हैं। आपको समझा तो आप पूछते हो, क्योंकि लोगों को थोड़ी सी शर्म आती है या उस पर एक धब्बा रहता है। इनफैक्ट और भी रहता है, क्योंकि एक फैमिली हिस्ट्री का एक कैंसर से जुड़ा हुआ चीज़ है। मेरे पास एक आए थे कांदिवली में, उन्होंने कहा कि मुझे मालूम है मुझे ब्रेस्ट कैंसर है, मुझे ट्रीटमेंट नहीं करवाना। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी, क्यों क्यों नहीं करवाना? क्यों भाई ने बोला कि मेरे दो एक बेटा एक बेटी है शादी की उम्र के, अगर मेरा ब्रेस्ट कैंसर का ऑपरेशन हुआ और मेरा ब्रेस्ट निकाला गया, लोगों को समझेगा कि मेरे को ब्रेस्ट कैंसर है, फिर भी उनकी शादी नहीं होगी। मैंने वो आप सोच देखो, वो अपने बारे में नहीं सोच रही थी, और अगर आपने थोड़ा पीछे आके देखा एकदम वैलिड है। समाज ऐसे ही सोचेगा, समाज थोड़ी सोचेगा कि इतने इतना अच्छी तरह से ये किया है। हमारे पास लोग आते हैं, आज भी लोग आते हैं, मेरे को लगता है कि हम ज्योतिषी के बाद कैंसर सर्जन ही आते हैं। ये वो पूरा फाइल लेके आते हैं और वो बोलते हैं कि अरे हमारा अभी रिश्ता करने का है, तो उनके दादाजी को कैंसर हुआ था, तो हम रिश्ता करें कि नहीं करें, एक्चुअली आते हैं। हाँ, वारसा ही बोलते हैं। जेनेटिक ये जो है, ये समझना चाहिए सिर्फ 5-10% कैंसर ये जेनेटिक है, 90% कैंसर किसी को भी कभी भी हो सकते हैं। और कैंसर्स की भी फैमिली है, जैसे आपकी फैमिलीज रहती है वैसे कैंसर की भी फैमिलीज है। जैसे ब्रेस्ट कैंसर, बड़े आंत का कैंसर, यूट्रस का कैंसर और ओवरी का कैंसर एक फैमिली है। तो किसी ने तंबाकू खा के उसको अगर जीभ का कैंसर हुआ है, तो उसके पोती को ब्रेस्ट कैंसर होगा ऐसा